नहीं, आपको तुरंत शास्त्र देकर नहीं नहीं पुराण में ये कहा है, वो पुराण में ये कहा है, सबका संग करना माना किए है शास्त्र में। हाँ, सेवा करो, आदर करो, संग नहीं करो। सेवा कर सकते हो, आदर सत्कार कर, तिलक है, कंठी है, माला है, हाँ वो प्रणाम में है, वो आदरणीय है, वो हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है, संग नहीं। तो कैसे संग कैसे करें? संग करने के लिए 5 गुण बताए गए हैं, शांत, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदुक, 4 गुण, 5 नहीं, 4 गुण। शांत, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदुक। पहले शांत स्वभाव, कोई कुछ कहते हैं बड़े शांति से उनको श्रवण करते हैं, आदर पूर्वक श्रवण करते हैं, अनादर नहीं करते हैं। अगर उनका शब्द पसंद नहीं आया तो ऐसा नहीं, जो ना 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 आप जो कह रहे हैं ये बेकार, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आदर करो प्रसन्न मन। नहीं नहीं शायद आपका बात हो सकता है, लेकिन मैं जो सुना हूं मैं आपको कह रहा हूं, इस तरह से परोसना चाहिए। आपका बात हमको अच्छा नहीं लगा, उस शास्त्र विरुद्ध ऐसे लग रहा है, वह कहना चाहिए देखिए ऐसा नहीं, आपको तुरंत शास्त्र देकर नहीं नहीं पुराण में ये कहा है, वो पुराण में ये कहा है, ऐसा कहा है, आप तो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, आप कहां से कह रहे हैं, सिद्धांत कहां का है, ऐसा सिद्धांत, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब सत्संगी, तुम सत्संगी नहीं, तुम्हारे संग से तो और गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं उनको इस तरह से बोलना चाहिए जे आप जो कह रहे हैं शायद हो सकता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है, शायद हमारे समझ में कोई कमी है, कोई बात नहीं, ठीक है, हमको ठीक समझ में नहीं आ रहा है आपको बात, इस तरह से ही करना चाहिए। नहीं खंडन मंडन नहीं, उनको सम्मान करो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी भजन मार्ग अवलंबन करते हैं, कोई भी हो ऐसे साधक, ज्ञान मार्गी, योग मार्गी, तत्व मार्गी, तांत्रिक है, नाना प्रकार साधक है, जे जथा मंग प्रबद्धन्ति तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मार्ग अवलंबन करके हमको हमारी उपासना करते हैं, मैं उसको ऐसे ही कृपा करता हूँ, ऐसा नहीं, तो सभी को सम्मान देना चाहिए, किसी को असम्मान नहीं, किसी को अपमान नहीं, सबको सम्मान देना चाहिए। और जब सत्संग करते हैं, चाहे तुम्हारा पहुंच कितनी भी अच्छी हो, तुम कितनी भी शास्त्र सिद्धांत निपुण हो, तुम्हारे शब्द के द्वारा किसी का मन में किंचित मात्र ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये सब वक्ता सब होता नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा सत्संगी ऐसा थोड़ी होता है। पहले शांत, शांत स्वभाव, विक्षेप नहीं, जो भी कुछ कहते हैं आदर के साथ उसको सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। स्निग्ध, महत्तर, महत्तर माने भजन में पहुंच है, भजन करते हैं, जो भजन करते नहीं उसके भीतर ये परतत्व बोध होना कदापि संभव नहीं है, ऐसे नहीं, भजन करना चाहिए। भजन जो करते नहीं है वो लाख शास्त्रों कहते रहे उसके शब्द में कोई दम नहीं, उस शब्द के द्वारा किसी का जीवन का कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है। भजन करना, भजन बोले ऐसे क्यों, ना जो भजन करते हैं, भजन किसे कहते हैं, ना जो भगवत चरण समर्पित होकर भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त साधन चेष्टा भगवत चरण में समर्पित होकर के जो जीवन व्यतीत करते हैं, समस्त चेष्टा भगवत चेष्टा, ऐसे जो है वो है भजन, भजनानंदी। भजन माने ये नहीं कुछ नियम जब तक कर लिया, ऐसा नहीं, तो महत्तर होना चाहिए, माने उनकी पहुंच होना चाहिए, कुछ अनुभव होना चाहिए, अनुभव। भजन करते नहीं, कुछ किताबी विद्या, हम जैसे कुछ किताबी विद्या उसके माध्यम से ही सब
परिवेशन करते हैं, अपने जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा उसको निरूपण करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। धर्म सतत्य नहीं तक गुहायंग महाजन जैन अगत पंथा, धर्म के तत्व गुहा में छुपा हुआ है। कैसे जान सकते हैं? ना भगवत चरण में समर्पित होकर के जो भगवत आश्रित होकर के जो भजन करते हैं, भगवान कहते हैं उसको मैं बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है, वो बुद्धि प्रभु देते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तं जनमाम उपजान्ति, मैं बुद्धि देता हूँ। तो प्रभु की कृपा से वो परतत्व बोध होता है, अपने साधन चेष्टा के द्वारा नहीं। तो ऐसे महत्तरो जो प्रभु की कृपा से जो कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं, और अनिंदु किसी का निंदा नहीं करते, अनिंदु किसी का निंदा नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, ऐसे ऐसे जो है उसका संग करो।